पानी की यह है, यहाँ पर ये लाइन भी बिछी हुई है और फिर उनमें भी पानी नहीं आता है, और यहाँ तो बस टैंकरों से पानी आता है। कोई मतलब ये 2000 का गेरता है, कोई 1000 का गेरता है, और पहले ही उनका पैसा बुक हो जाते हैं, दूसरों से फिर पानी मांगते रहते हैं। पानी की इतनी हालात चल रही है, कोई हिसाब ना है। क्या देंगे भाई? पानी की सबसे ज्यादा परेशानी पानी सी, पीना की पानी की है। लोग पशु भी पिसाए मर रहे हैं, हैं? और एक एक टैंकर 1500-2000 लेता है टैंकर वाला, 10-10 दिन हो जाए, 15-15 दिन हो जाए, पानी नहीं आता। रैनीवाल परियोजना बनाई गई सरकार के द्वारा, और तो उसमें कुछ फायदा हुआ? फायदा तो है, फायदा जब होता पानी की आ जाता आता रहता, फिलहाल परेशान आता ही नहीं पानी। क्या कहेंगे? पानी की भाई मोटी परेशानी है, और पानी यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ नहाने के लिए, लत्ते कपड़े धोने के लिए पानी तक नहीं है। लत्तन में से बदबू मारती है, और टैंकर से पानी गिरता है, वो 1500-1400-1200 रुपए लेते हैं, और फिर भी वह लगातार नहीं लाते हैं। 2-5 दिन में लाते हैं, उसके लिए सारा पिसाए मर जाए। दूसरा घर से लाते हैं डिब्बा से भर भर के अपने काम चलाने के लिए। पानी की बहुत परेशानी है। रेनवाल परियोजना जिस समय आई थी, उस समय कहा गया था राजनीतिक लोगों द्वारा कि यहाँ पे पानी की किल्लत को दूर कर दिया जाएगा, सर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम इतने परेशान हैं, हमारे कपड़ों में बदबू हो रही है, पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। हम अगर मस्जिदों में जाते हैं तो हमारे लिए वजू करने के लिए पानी नहीं मिलता है। इन तक सच्चाई है जी, तय्यम करके हम नमाज पढ़ रहे हैं, बताओ जी, जो भी की हमारे धर्म में बात ही नहीं है, मस्जिद है चाहे वो मंदिर है, हम ये तक बूंद के लिए तरस रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है। सब कुछ बना हुआ है, गाँव में कुंडे भी बने हुए हैं, रैनीवाल की जो बिछाई है वो भी बनी हुई है, नहर भी बनी हुई है, लेकिन पानी आज तक हमारी उम्र में 50-60 साल की उम्र हो रही है, आज तक हमने पानी नहीं देखा है। क्या कहेंगे जी? पानी का इतना बुरा हाल है, लोग बाग इतने परेशान हैं, पीने के लिए पानी बिल्कुल नहीं है, बूंद की तरह है। यहाँ मोल टैंकर लेते हैं, उनको भी 8-8 दिन में पानी वो भेजते हैं, और 1500-1800-2000 रुपए तक होते हैं। तो यहाँ पर करीब काफी गरीब लोग रखते हैं, वो कैसे करते हैं जी? वो बेचारे वो भी ऐसे लेते हैं, कोई चाय के मांगने के लिए चला जाता है, कोई बेचारा कमा वमा के जैसे लेता पानी, तो मजूरी में खरीदना ही पड़ता है, अपने और काम को भी बाद में करते हैं, लेकिन पानी मूल जरूर पीते हैं। तो यहाँ विधायक और सांसदों के सामने जब समस्या उठाते हो तो वो क्या कहते हैं जी? वो कुछ नहीं ध्यान देते, सिर्फ अपनी वोट लेते हैं। एक कुआ है, पूरा गाँव यानी एक एक पानी की बूंद के लिए तरसता है। मेरे ठीक मेरे पीछे जो कुआ है, पूरा ही गाँव इस कुएं से पानी लेता है। इस कुएं का पानी इतना दूषित है, काफी महिलाएं मेरे साथ खड़ी हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या क्या है। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं जी, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? हम ये कहेंगे जी, हमारे पास पानी नहीं आ रहा, खाली पानी आ रहा है, और हमारे टाइम बेटे पानी आ रहा है, लहर बिछती है, बूंद पानी नहीं है। अरे कितने सालों से परेशानी चल रही है? कम से कम हो गई हमें 20 साल, को हमें आते हुए देख रहे हैं। जब नेता लोग आते हैं, वादे करते हैं, कुछ करते हैं? कुछ भी नहीं करके जाते, सब टाइम दे के जाते हैं, वादा करते हैं, सब देखते हैं, बस ऐसे चले जाते, कोई ना आ रहे ना भाई। फिर जब कैसे चला जाओ वहाँ, जो कितना नीचे पानी है, कैसे पानी है, और खूब पधोने से परेशानी आई रही। नहीं तो अब जो पानी ले जा रहे हो, कैसा पानी है? खराब पानी, कर्व कत्ता ले जीन को बिना जान बीच कहीं बिना हो रहा है। अब जो यहाँ जो पानी है, यानी कि जो यहाँ पे पाइप लाइन बिछाई गई है, तो क्या है इसमें लग रहा है आपको? इसमें ना लग रहा है, बसे बसे वहाँ पे पानी आ रहा है, साथ लेन का जावे घुसना भाई नहीं। तो यहाँ पे जो अधिकारी या नेता कुछ कहते, कुछ आती बात? ऐसे ही कहता हूँ, कैसे पता थक जाऊँ, कुछ भी ना गए, कोई मुसीबत भी तक रहे पानी चार। करीब इस गाँव में कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? भाई पूरी क्या कहेंगे, कोई नल का पानी नहीं है, ये पसीवाला का पानी है। इसको धेरे को ये कह रहे हैं, इसमें भीड़ मछली बस यही है ना, कोई नहीं, इस जोहर का पानी है, आप चेक करके देखो। पीने के पानी के लिए लोग, इसके लिए जो लोग आप जो नेता आते हैं, लोग इतने दिनों से काफी कब से परेशान है, कुछ भी नहीं करते नेता। तो ये पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है। अरे वो जब हम ही भर जाम मतलब रहे आपका, अब वो है तो करके रैनीवाल परियोजना भी जो आई यहाँ पर, काफी करोड़ खर्च करे तो क्या है? कुछ पाई नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, कुछ नहीं है। करीब करीब यहाँ पर जो जो लाइन जो फैली हुई है, क्या उनके बिल आ रहे हैं आपके यहाँ? हाँ बिल भी आ रहे हैं, पानी बिल आ रहा है, आप तो देख सकते हो, में देख सकते हो। क्या कहेंगे? पानी ना भाई, ये 40 साल हमें हो गए यहाँ रहते हुए, पानी घूट ना है, नमक जैसा पानी है। ऊपर वाला बरसा जब तो दाल के लिए पानी लेते हैं हम, जब उसमें दाल बनती है। तो इसके लिए कोई समाधान हुआ आज तक? कोई कुछ ना हुआ, आते हैं चले जाते हैं, कुछ ना होने वाला। तो महिलाओं को तो काफी दिक्कत करी, कितनी कितनी दूर से पानी लाती है? दूसरे गांव में सस्ता पानी, इधर
हॉस्पिटल चैम्बर खुदा हुआ है, वहाँ से आता है पानी, साइकिल ले जाते हैं, कोई सर सल आता है, जिसके पास कुछ ना हो तो लेते हैं। ये तो बिल्कुल कड़वा पानी तुमने आपने देखा तो। और यहाँ टैंकरों का क्या हाल है? टैंकर 1400-1500 मिलता है, गरीब आदमी को इसकी कोई पेड़ ना है। जिसके पास पैसा है वो पानी पिएगा टैंकर डलवा के, जिसके पास रेत का शेर रहेगा।